बात करते हैं बुरहानपुर की, जहां पर सहकारिता कर्मचारी राशन दुकान संचालकों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। कर्मचारी अपनी वेतन की मांग कर रहे हैं। यह हड़ताल काफी समय से जारी है। प्रशासन मांगों को लेकर के ध्यान नहीं दे रही है, ये आरोप कर्मचारियों ने लगाया है। किस लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल रखी गई है, क्या मांग है आपको? हमारी समान वेतन की है, कैडर में लेने सभी टीके कर्मचारियों को। मतलब क्या आपकी मांगे मानी नहीं? इससे पहले भी आपने आवेदन दिया था? नहीं मानी। तो क्या कब तक रहेगी अनिश्चितकालीन है? जब तक मांगे हमको वेतन नहीं दिया जा रहा है, जैसे हम कनिष्ठ विक्रेता भी इसके अंतर्गत हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हमको मात्र 6,000 रुपये मतलब तनख्वाह दी जाती है। तो ये जो महंगाई का जमाना, इसके अंतर्गत 6,000 में किसका परिवार चल पाएगा? तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते और आग्रह करते हैं कि कृपया हमारे तरफ भी ध्यान दें। मतलब हम लोग सभी जो संस्था है उनके तरफ, मतलब सभी जो विभाग है उनके तरफ ध्यान दिया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन हमारे विभाग, हम 15 सालों से मुख्यमंत्री से कम 12 बार हड़ताल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारी मांगे कुछ पूरी नहीं की गई है। ना हमको बीमा है, ना पेंशन है, ना कुछ है, बस सिर्फ रोजी रोटी जैसा काम है हमारा। क्या तो हमारा आश्वासन देते गए, तुम्हारी मांगे पूरी हो जाएगी, हम ऐसा करेंगे, दे देंगे।